दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और अपने पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है वो आप अगर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये कैसे करते हैं। आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने पेटीएम वॉलेट के पैसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वो भी बिना किसी चार्ज के। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस शानदार सी वीडियो को जिसमें आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आपके जो पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं उनको आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में या किसी भी बैंक अकाउंट में कैसे सेंड कर पाएंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। सबसे पहले करना क्या होता है, आपके लिए आपके मोबाइल में जो पेटीएम है उसको आपको ओपन करना होता है। चलिए ओपन कर लीजिए। जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके मोबाइल में लॉक लगा है पेटीएम में तो पहले लॉक खोल लीजिएगा, अगर लॉक नहीं लगा होगा तो डायरेक्ट आपके सामने ऐसा आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, सिंपल यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर लिखा हुआ है बैलेंस एंड हिस्ट्री। ये देखिए, सिंपल बैलेंस हिस्ट्री लिखा हुआ है ना, ये देखिए माय पेटीएम पासबुक और बैलेंस एंड हिस्ट्री ये लिखा हुआ है। और से देखिए बैलेंस एंड हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में आपके पेटीएम वॉलेट, आपके जो भी डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड है वो सभी यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट बैलेंस एंड हिस्ट्री, यहाँ लिखा अकाउंट और यहाँ पे लिखा पेटीएम बैलेंस, देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए गौर से, पेटीएम बैलेंस ये लिखा हुआ है। सिंपल करना क्या होता है, आपके लिए पेटीएम बैलेंस पे क्लिक करना होता है। जब क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक नीचे ऑप्शन आ जाता है, लिखा है पेटीएम वॉलेट। देखिए गौर से लिखा है, जब आप पेटीएम बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा पेटीएम वॉलेट का, देख पा रहे हैं आप ये वाला, देखिए ये आ रहा है। और यहाँ पे आपका अमाउंट जो भी पेटीएम वॉलेट में होगा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब करना क्या होता है आपके लिए, सिंपल ये जो लिखा हुआ है ना पेटीएम वॉलेट, देखिए ये वाला पेटीएम वॉलेट, आपको पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन ऐसे खुल जाते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, सेंड मनी टू बैंक, ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट, ऑटोमेटिक ऐड मनी। तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिस पर लिखा हुआ है सेंड मनी टू बैंक, ये वाला। सिंपल आपको सेंड मनी टू बैंक पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक और यहाँ लिखा है नो डायरेक्ट ऑफ और हिडन चार्जेस, सेंड मनी फ्रॉम यूर वॉलेट टू बैंक फ्री फॉर फ्री। मतलब कि आप कितना भी पैसे भेजेंगे पेटीएम आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेगा। अगर आपके पेटीएम वॉलेट में अगर आप किसी बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं तो कोई भी पैसे आपसे चार्ज नहीं करेगा, जितने आप भेजेंगे उतने ही होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 20 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक आप भेज सकते हैं। तो बताना चाहूँगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 10 रुपये, देखिए अभी प्रोसेस पे क्लिक करूँगा, देखिए तो लिखा आ चुका है यहाँ पे प्लीज़ इंटर अमाउंट। तो यहाँ लिखा 20 से लेकर 25,000 रुपये तक आप सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन सेंड करते हैं 50 रुपये, ये मैंने लिखा 50 रुपये, ठीक है। अब आपको सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है प्रोसेस, ये वाला नीचे वाला ऑप्शन ये लिखा हुआ है, आपको सिंपल प्रोसेस पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है ऐड न्यू बैंक अकाउंट। तो यहाँ लिखा है इंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम। अब जिस भी व्यक्ति को आप पैसे भेज रहे हैं या आप खुद को भेज रहे हैं तो यहाँ आपका बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो डालना है और यहाँ आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है। चलिए मैं अपना मैंने लिख के रखा हुआ है तो मैं डाल देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने लिख के रखा हुआ है, अकाउंट नंबर मैंने कॉपी कर लिया है और चलिए जाता हूँ वहाँ पे, मैं ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपना यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देता हूँ, है ना, मुझे याद नहीं इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ ऑलरेडी पहले से, ये मैंने कॉपी करा, ये मैं यहाँ पे डाल दिया। देखिए यहाँ पे अब सिंपल यहाँ पे आपका जिस भी नाम से अकाउंट है वो आपको नाम यहाँ पे डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ मेरा नाम, जो मेरा नाम से अकाउंट है मैंने डाला अंकित साहू, ये डाल दिया, ठीक है। जब आप पूरा भर देंगे तो यहाँ आप देखिए अगर आपका आईएफएससी कोड गलत होगा तो यहाँ आपको देखने को मिलता है रॉन्ग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक राइट कनेक्शन लगा हुआ है, वेरीफाई है, मतलब कि आपका जो आईएफएससी कोड है वो सही है। आपको सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इतना कंफर्म करने के बाद सिंपल आप नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसेस, ये देखिए प्रोसेस लिखा हुआ है। सिंपल आपको ब्लू वाले बटन जो है, नीला वाला बटन, उसको दबाना है। जब दबाएंगे तो यहाँ आएगा कन्फर्म, यहाँ लिखा हुआ है देखिए री इंटर बैंक अकाउंट नंबर ऑफ, तो अंकित साहू लिखा आ चुका है, आईएफएससी कोड लिखा आ चुका है, बैंक का नाम आ चुका है, एड्रेस आ चुका है। यहाँ पे पूछ रहा भैया आप फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है फिर से डालिए। तो सिंपल जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है एक बार फिर से डाल दीजिए यहाँ पे। चलिए मैं डाल देता हूँ मेरा बैंक अकाउंट नंबर, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी करा और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपन, तो देखिए पेस्ट हो चुका है, नंबर डाल दिया मैंने, मुझे याद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ कंफर्म वाला, सिंपल आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जब कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है सेंडिंग मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक, बैंक नहीं लिखा लेकिन
बैंक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अंकित साहू और यहाँ पर बैंक का नाम आ चुका है पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर ये आ चुका है आपका, और अमाउंट आप कितना सेंड करना चाह रहे हैं 50 रुपये लिखा है, और चार्जेस 0 और टोटल पेएबल 50, मतलब आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा, आप कितना ही भेज सकते हैं और टोटल पेएबल होगा, मतलब आपका पूरा पैसा जाएगा, कोई भी पेटीएम वाले ऐसे चार्ज नहीं काटेंगे, पहले काटते थे 4%, अब नहीं काटते। अब सिंपल देखिए यहाँ पे इनके लिखा हुआ है प्रोसेस ए वाला, सिंपल आपको क्लिक करना है यहाँ पे, जब क्लिक करेंगे 10 सेकंड वेट कीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, पेटीएम की साइट से, वो ओटीपी आपको यहाँ पे देखना है, हाँ डालना होगा। चलिए मैं अपना मैसेज बॉक्स में चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं अपना ओटीपी यहाँ पे डाल दूंगा, एक मिनट देख लेता हूँ कन्फर्म करने के लिए। ये ओटीपी डाल दीजिएगा, जो आपके पास आएगा ओटीपी, वो ओटीपी डालने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म, देखिए नीचे ये कन्फर्म लिखा हुआ है, वो कन्फर्म पे क्लिक करना है। जब कन्फर्म पे क्लिक करेंगे 10 सेकंड वेट कीजिएगा तो आपके सामने ऐसी प्रोसेस चलेगी, और यहाँ देख पाएंगे लिखा चुका है मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली 50 रुपये। तो आप देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से अपना जो पेटीएम वॉलेट में पैसा था वो अपने बैंक में ट्रांसफर हो गया बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने पेटीएम में से अपने जो वॉलेट में पैसा है उसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है पेटीएम से रिलेटेड, आपको इस वीडियो में चलने की मिल जाएगी, उनको देख के भी आप लोग कुछ कुछ सीख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे।